नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में अपने अनूपगढ़ ज़िले के बारे में देखेंगे। और अनूपगढ़ ज़िला आपका नया ज़िला बना है। अभी राजस्थान सरकार के द्वारा जो 17 नए ज़िले बनाए गए हैं, तो उनमें एक अनूपगढ़ भी है। तो जो 17 नए ज़िले हैं, उनसे संबंधित आगामी जो एग्ज़ाम होगी, उनमें 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आपके बनते ही बनते हैं, तो इनके बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। टोटल आपके राजस्थान में कुल कितने ज़िले हो गए? 50 हो गए। पहले आपके थे 33 और 17 और बन गए। 17 और बन गए तो कितने हो गए? 50 हो गए। तो ये जो 17 नए ज़िले बने हैं, उनके बारे में अपन एक एक करके देखेंगे। आज के सेशन में अपन केवल अनूपगढ़ ज़िला है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये कब बना, कौन कौन से ज़िलों से मिलकर बना है, कौन से संभाग के अंदर आता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीमा लगती है नहीं लगती है, वो सारी की सारी जानकारी अपन है इस सेशन में देखेंगे। तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। बीच में आप स्किप करोगे तो जानकारी प्यारे बच्चों आपको अधूरी मिल पाएगी। देखिएगा, जिले की घोषणा कब हुई थी? 17 मार्च 2023 को। ये जो तिथि है वो आपको ध्यान में रखनी है। तिथि आजकल एग्जाम में सीधी सीधी पूछी जाती है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। मंत्रिमंडल द्वारा जो स्वीकृति मिली वो कब मिली थी? 4 अगस्त 2023 को। अधिसूचना कब जारी हुई? 5 अगस्त 2023 को। और अधिसूचना प्रभावी कब हो गई? आपका ये जिला बनकर यानी कि मैप में कब आ गया आपका? तो 7 अगस्त 2023 को ये अधिसूचना प्रभावी हो गई और जिले की स्थापना हो गई। अनूपगढ़ जो पहले तहसील थी आपकी, अनूपगढ़ है, इसका अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था? चुंगेर। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्तमान में क्या हो गया? अनूपगढ़। इसकी आकृति की बात करें तो आकृति देखिएगा, ये शेप आपके सामने है, ये कैसी दिखाई दे रही है आपको? एक शेर बैठा हुआ होता है उसके अनुसार, यानी उससे मिलती जुलती है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हो कि अनूपगढ़ जिले की आकृति बैठे हुए शेर के समान है। और इसका नाम देखिएगा, महाराजा अनूप सिंह के नाम पर ही पड़ा है। यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया है 1678 में। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, उन्हीं के नाम पर फिर अनूपगढ़ का नाम है वो पड़ गया। प्रशासनिक ढांचा देखें तो अनूपगढ़ जिला बीकानेर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है प्यारे बच्चों? बीकानेर संभाग में आता है। वो निर्माण देखिएगा, अनूपगढ़ का निर्माण है दो जिलों से हुआ है, वो पहले ही मैंने आपको बता दिया है कि अनूपगढ़ का निर्माण है जो गंगानगर और बीकानेर से हुआ है। गंगानगर से कौन कौन सा एरिया लिया गया है? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, गढ़साना, रावला। और बीकानेर से आपका लिया गया है छत्तरगढ़ और खाजूवाला, ये दो स्थान ही लिए गए हैं। अनूपगढ़ के अंदर कुल कितनी तहसील हो गई आपकी? 7। और उपखंड कितने हो गए? 6 हो गए। तहसीलें कौन कौन सी देखेगा? अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, गढ़साना, रावला, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। और जो उपखंड है वो देखेगा, अनूपगढ़, रायसिंह नगर, विजयनगर, गढ़साना, छत्तरगढ़ और खाजूवाला। ये 7 तहसील और 6 उपखंड है, ये नाम आपको है जो कि ध्यान में रखने। प्यारे बच्चों, क्षेत्रीय नाम की बात करें तो अयोध्या प्रदेश के नाम से अनूपगढ़ को जाना जाता है। अनूपगढ़ की सीमा देखेगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। और अंतर्राज्य में देखेगा, गंगानगर और बीकानेर के साथ में लगती है। तो ये सीमाओं की जानकारी भी आपको ध्यान में रखनी है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न एक और निकल कर आ जाता है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिले लगते थे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। लेकिन अब कितने लगने लग गए? 5 जिले हो गए। एक अनूपगढ़ भी आपका है जो बढ़ गया है। जलवायु वह भौतिक प्रदेश की अपन बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है अर्धशुष्क जलवायु है, और अर्धशुष्क भौतिक प्रदेश में यही ऐसा आता है जो कि पश्चिमी मरुस्थल का एक है जो भाग है। और एक इम्पोर्टेंट प्रश्न इसमें और बन जाता है प्यारे बच्चों, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय किस जिले का लगता है? तो उस जिले का नाम भी प्यारे बच्चों आपका क्या आता है? अनूपगढ़ ही आता है। तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। वनस्पति की बात करें तो मरुद्वीप है, कृषि जलवायु प्रदेश में देखेगा पश्चिमी नहरी प्रदेश है। यहाँ पर अनूपगढ़ से निकलने वाली जो NH है वो कौन सी है? राष्ट्रीय राजमार्ग देखेगा, यहाँ से जो निकलती है वो 911 श्री गंगानगर से
बाप फलोदित गए, इसकी कुल लंबाई ये आप ध्यान रख सकते हो 184 किलोमीटर है। इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और फलोदी, ये देखिएगा। और NH 911A की बात करें तो इसकी कुल लंबाई है प्यारे बच्चों 31 किलोमीटर, कितनी है 31 किलोमीटर है। और ये कहाँ से कहाँ तक है, पुगल बीकानेर से खाजूवाला अनूपगढ़ तक है। तो ये देखिएगा, पुगल बीकानेर से अनूपगढ़, खाजूवाला अनूपगढ़ तक है। अब ये अनूपगढ़ बन गया तब अनूपगढ़ का नाम आ गया, वरना जो ये आपकी NH 911 है वो केवल बीकानेर के अंदर ही सीमित थी, क्योंकि खाजूवाला स्थान कहाँ पर था, ये आपका बीकानेर जिले के अंदर ही आता था। लेकिन अब अनूपगढ़ जिला बन गया तो ये अब दो जिलों के अंदर आ गई। तो ऐसे ही प्रश्न आपके अलग से निकल कर आ जाते हैं। तो NH 911A कौन कौन से जिले में आ गई, आपकी बीकानेर और अनूपगढ़ के अंदर आ गई, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। कृषि फार्म यहाँ पर कौन सा देखेगा, जेतसर यांत्रिक कृषि फार्म जो अनूपगढ़ जिले के अंदर स्थित है। स्थापना कब हुई इसकी, 1964 ईस्वी में सोवियत संघ के सहयोग से। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि फार्म है। गढ़साना का जो किसान आंदोलन है बहुत ही फेमस रहा है, काफी चर्चा में रहा था। और ये कब हुआ देखिएगा, 2004 से 2006 तक हुआ। आरएस केजरीवाल समिति का गठन कब हुआ और इसका नेतृत्व किसने किया देखिएगा, कामरेड हेमराज बेनीवाल ने। और 7 किसान यहाँ पर इस आंदोलन के अंदर शहीद हुए थे, शहीद बीरबल। शहीद बीरबल के बारे में देखते हैं, देखिएगा इनका जन्म रायसिंह नगर जो वर्तमान में अनूपगढ़ जिले में आ गया। और 1 जुलाई 1946 को हाथ में तिरंगा लिए हुए पुलिस की गोली लगने से रायसिंह नगर में ये शहीद हो गए। तो पहले इनकी चर्चा गंगानगर जिले में होती थी, लेकिन अब वर्तमान में नया जिला अनूपगढ़ बन गया। तो ये इनका अब स्थान कहाँ आ गया, अनूपगढ़ में आ गया। बीरबल दिवस कब मनाया गया, 17 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल दिवस मनाया गया। प्राचीन सभ्यता स्थल देखिएगा, यहाँ पर ब्रोंज की सभ्यता है, अनूपगढ़ के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सन 2006 में एक मिट्टी के पात्र में सैलकड़ी के 8,000 मन के यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये जो इस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, कितने मन के प्राप्त हुए, 8,000 मन के प्राप्त हुए। यहाँ बटन के आकार की मोहरें मिली है। ये NH 911 के ऊपर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, NH 911 के ऊपर स्थित है। ये सभ्यता स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के समय की है, तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, क्यों बनता है, क्योंकि ये जो गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ है ये पहले गंगानगर जिले में आता था, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, ये कहाँ आने लग गया, अनूपगढ़ जिले में। और इसे राजस्थान का स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। आपको बोल दिया जाए कि राजस्थान का स्वर्ण मंदिर किसे कहते हैं और कौन से जिले में है, तो स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ को कहते हैं। लेकिन जिले की बात आए तो आपको गंगानगर नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है, अनूपगढ़ जिला करना है। तो ये आपका चेंज हो गया। और ये कहाँ पर है, डाबला गांव है। डाबला गांव कहाँ पर है, रायसिंह नगर, ये अनूपगढ़ की तहसील हो गई और अनूपगढ़ जिले में आ गया। तो गांव कौन सा हो गया, डाबला गांव, तहसील कौन सी होगी, रायसिंह नगर, जिला कौन सा हो गया, अनूपगढ़ हो गया। तो इतनी जानकारी इसके बारे में ध्यान रखनी है। स्थापना कब हुई, 1953 में संत फतेह सिंह के द्वारा की गई। मेला कब लगता है, श्रावण अमावस्या को लगता है। ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। एक आगे देखिएगा, लैला मजनू की मजार भी है यहाँ पर, बिंजोर, कहाँ पर है, बिंजोर अनूपगढ़ में है। 15 जून को यहाँ पर मेला भरता है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि लैला मजनू की मजार कहाँ पर है और मेला कब भरता है, तो लैला मजनू की मजार आपकी बिंजोर अनूपगढ़ में है, 15 जून को मेला भरता है। आगे देखिएगा, डाडा पंपाराम का मेला विजयनगर अनूपगढ़ में, और कब बढ़ता है, 7 दिवसीय मेला 6 फरवरी से 12 फरवरी को यहाँ पर मेला भरता है। अन्य जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखिएगा, अन्य जो जानकारी है वो आपके सामने मैं बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय जो पहले मैंने आपको बता दिया था कौन सा आता है, अनूपगढ़ जिला आता है, तो इस बारे में आपको ध्यान में रखना है। महाजन फायरिंग रेंज ये भी आपके अनूपगढ़ जिले में ही आने लग गई है। यहाँ पर युद्धाभ्यास हुआ था
अलजन साहब भारत और ओमान के बीच में हुआ था, फायर पावर भायर सेना और ऑस्ट्रो हिंद 2022 भारत प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। नदी की बात करें तो घग्गर नदी यहाँ पर है, घग्गर नदी का राजस्थान के यहाँ से निकास होता है, अनूपगढ़ से होता है। और सिंचाई परियोजना में देखिएगा गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर परियोजना यहाँ पर है सिंचाई के लिए, तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। और खाजुवाला का स्थान देखिएगा, खाजुवाला में क्या फेमस है, यहाँ पर क्या है, BSF द्वारा राज्य में पहली रिट्रेडिंग सेरेमनी यहाँ पर हुई थी। खाजुवाला में तेल के भंडार भी हैं, ये गंगानगर बीकानेर तेल बेसिन के अंदर आते हैं। और गढ़साना की बात करें तो यहाँ तेल के भंडार मिले हैं जो बीकानेर नागौर तेल बेसिन के अंदर आते हैं। तो प्यारे बच्चों एक छोटी सी जानकारी थी जो अनूपगढ़ जिले से संबंधित हो गई, पहले ये आपकी बीकानेर और गंगानगर से संबंधित थी लेकिन अब अनूपगढ़ जिला बन गया है। तो अनूपगढ़ के अंदर जो 7 तहसील आती हैं वो मान लो चाहे बीकानेर का हिस्सा रहा हो या गंगानगर का रहा हो, अब आपको ध्यान में रखना है कि ये अनूपगढ़ के अंदर आते हैं। आपका बुड्ढा जोड़ हो गया, ये फायरिंग रेंज हो गई, खाजुवाला के जो BSF वाला एरिया हो गया, ये अब आपके कहाँ आ गए हैं, अनूपगढ़ जिले के अंदर आ गए हैं। तो ये जो मेन मेन जानकारी थी जो मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर करी है प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जो आपके प्यारे साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी इस सेशन को शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी पता चल सके कि अनूपगढ़ के बारे में उनको जानकारी मिल सके। और एक एक करके अपन एक के सबके ऊपर चर्चा करेंगे, जो 17 नए जिले बनाए गए हैं, आज आपका अनूपगढ़ हो गया, उसके अलावा जो 16 नए जिले और बत रहे हैं उनके ऊपर भी अपन चर्चा करते रहेंगे। आप ज़रूर बताइएगा कि कोई गलती रह गई हो या कोई जानकारी इसमें मैं नहीं बता पाया आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे आगामी जो नए जिले अपन तैयार करें उनमें अपन सुधार कर सकें। मेरे बच्चों इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो इन्फ्यूजन नोट्स का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल आप फॉलो कीजिएगा, जहाँ से आपको डेली करंट अफेयर है वो मिलता रहेगा। और घर बैठे आप अगर हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हो तो infusionnotes.com विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपका पसंदीदा कोर्स है वो मिल जाएगा प्यारे बच्चों। वहाँ पर आपको सबसे पहले सैंपल नोट्स पढ़ने हैं, सैंपल नोट्स का कोई चार्ज नहीं लगने वाला, फ्री में आप पढ़ सकते हो। सैंपल नोट्स आपको अच्छे लगे तो उसके बाद में आप कंप्लीट नोट्स खरीद सकते हो। वहाँ पर नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या खुद अगर आप ऑर्डर देना चाहते हो तो वहाँ पर प्रोसेस बताई गई है किस हिसाब से आपको ऑर्डर देना है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, राम राम।